गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेस्ट्स नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्लाज्मा जिल्ली को कैवियोली से पहचाना जाता है ये संरचनाएँ हैं तो बहुत सारे मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया करें तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन बोलूँगा आप सुन लेना द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिटेक्टेड टू हैव कैवियोली दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास कोलेस्ट्रोल आधिक्य जली अंतर्वलन कोलेस्ट्रोल इनरेज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस दूसरा है फॉस्फोलिपिड के संगठक कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स तीसरा उच्च कार्बोहाइड्रेट मात्रा के क्षेत्र रीजन्स विथ हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और प्रोटीन बाहुल्य मात्रा के क्षेत्र रीजन्स ऑफ प्रोटीन डोमिनेटिंग कंटेंट तो आपको बताना है कि कैियोली जो है इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगी तो डिस्टेंस देखिए कैवियोली जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, में पाए जाने वाले लिपिड रेप्स होते हैं और मुख्य रूप से इसके अंदर हम बात करें तो कोलेस्ट्रोल स्पिंगोमाइलिन और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स इसके अंदर मुख्य रूप से लिपिड कंटेंट होते हैं तो आप ऑप्शन में देख के बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि जो कैवियोली है वो कोलेस्ट्रॉल इनरिस्ड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होते हैं क्वेश्चन नंबर टू के आगे हम बात करते हैं एक सूक्ष्म तंतु को तीव्र वृद्धि के पश्चात शीघ्र पहचाना जाता है निम्न में से किस महत्वपूर्ण कारण से सूक्ष्म तंतु अपने स्वयं के टूटने को उत्तेजित करता है तो उसका इंग्लिश वर्जन मैं बोल रहा हूँ ए माइक्रो ट्रिब्यूल इज ऑब्जर्व क्विकली आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्यूपाइड टू दिस माइक्रो ट्रिब्यूल टू स्टूमुलेट इट्स ब्रेक डाउन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जीटीपी का हाथ लॉस ऑफ इट्स जीटीपी एटीपी का हाथ लॉस ऑफ एटीपी टी पी द्वारा पृथक करना सेपरेटिंग बाय जेल सोलिन कॉफिलिन को घुमाना ट्विस्टिंग ऑफ कॉफिलिन तो डिस्टेंस देखिए जो सूक्ष्म तंतु तीव्र वृद्धि के पश्चात शीघ्र पहचाना जाता है तो उसके टूटने को उत्तेजित करेगा जी का वास बिल्कुल लॉस ऑफ जी आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेंस तो ऑप्शन हमारे पास एंजाइम्स डीएनए एंड आरएनए राइबोजाइम्स ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं आपका आंसर हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आगे हम बात करते हैं कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता है सेल ऑर्गेनल्स हैव कंटेंट ऑफ डीएनए आर टेंद्रिका न्यूक्लियोलस लवक ऑल ऑफ ओलबद्दीज तो सभी में न्यूक्लियोलस में प्लास्टिड में माइट्रोक्रिया में डीएनए मिलता है तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी डीएनए रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनो हिस्टोकेमिकल मार्कर से प्रश्न आया है के आई सिक्सटी सेवन जिसे हम एम आई बी वन के नाम से भी जानते हैं एम आई बी वन बी से कहा जाता है तो जो के आई सिक्सटी सेवन है, है आणविक निदानात्मक लक्ष्य होता है इसके लिए तो के आई सिक्सटी सेवन इज़ मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टारगेट फोर तो डे स्टूडेंट्स जो आई एस सी मार्कर्स हैं हिस्टोकेमिकल मार्कर्स उसमें और यहाँ पर आपके ऑप्शन में हाइपोथर कैंसर जट्रांति समस्या सिरदर्द और मिचली हाइपरथायर कैंसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हैडेक एंड नोजिया तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कैंसर और स्पेसिफिक ये ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर होता है आप ये भी याद रखेंगे दिस इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स की आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन से नियमानुसार ठंडे प्रदेश के प्राणियों की आकृति गर्म प्रदेश के प्राणियों से अत्यधिक बड़ी होती है तो आपको बताना है कि कौन सा नियम ये बताता है कि ठंडे प्रदेश के प्राणियों की आकृति गर्म प्रदेश के प्राणियों से अत्यधिक बड़ी होती है बिच वन ऑफ दैम रूल एक्सप्लेन दैट जोग्राफिकल रेसेज ऑफ स्पीसीज इनिबिटिंग कोल्ड एरियाज आर मच लार्जर एज कम्पेयर टू देयर वार्मर काउंटर पार्ट्स तो डिस्ट्रेंड्स ये जो नियम है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये बर्गमान का नियम है बर्गमान इसे बताता है अच्छे से से याद कर लें प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जलीय तंत्र में फास्फोरस का स्रोत है शहरी निकास उर्वरक से फास्फोरस युक्त चट्टानों के अपक्षण से या ये सभी तो सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन एक्वेटिक सिस्टम सिस्टमिज अर्बन ड्रेनेज फर्टिलाइजर्स विदरिंग ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक्स ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल फॉस्फोरस का स्रोत ये सभी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर के आगे हम बात करते हैं एलन का का नियम व्याख्या करता है है तो फिर से प्रश्न ठंडी जलवायु में स्तनधारियों जैसे पूंछ कान व टांगों कर का छोटा होता है टेल एंड लेग्स ऑफ मेमल्स आर shorter इन कोल्डर climates तो पहला वाला आंसर ही आपका राइट हो जाएगा बाकी के ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि ठंडी जलवायु में स्तनधारियों के बाह्य अंग जैसे पूंछ कान व टांगों का आकार छोटा होता है यही एलन का नियम व्याख्या करते हैं नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूपांतरण में सहायक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर है नाइट्रोसोमोनास मुनासि नाइट्रोकोकस है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे डिस्टेंस कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास मुनासो नाइट्रोकोकस काम करते हैं और फिर वो नाइट्राइट से नाइट्रेट में रूपांतरण के लिए नाइट्रोबैक्टर उसके ऊपर काम करता है तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर प्रजाति तो सबसे पहले जो अमोनिया है उसको आपको नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया हो जाएंगे वो आपके ये दोनों हो जाएंगे नाइट्रो से नाइट्रोकोकस और फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास नाइट्रोबैक्टर प्रजाति आ जाएगी तो आपका आंसर यहाँ पर वन वाला हो जाएगा बहुत से प्राणियों जिनमें कीट पक्षी वस्तनधारी शामिल होते हैं उसने आद्र जलवायु में गहरा वर्णक लिए होते हैं इसे समझाया जा सकता है तो क्वेश्चन नंबर जो टेन है वो फिर से रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किसका रूल है तो द मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड मैमल्स बी डार्कर पिगमेंटेशन इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स दैट एक्सप्लेन बाई तो पिगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं कि इट इज़ ग्लोगर रूल ग्लोगर का नियम है अच्छे से याद कर लें फिर क्वेश्चन नंबर इलेवन के आगे हम बात करते हैं ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली पक्षी प्रजाति में उष्ण जलवायु की तुलना में पंख सँकड़े होते हैं वह अधिक गुच्छेदार होते हैं इसे समझाया जा सकता है तो पंखों के सकड़े होने को हम बिल्कुल रेंच के नियम से समझाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा रेंच लो बिल्कुल यहाँ पर रेंच लो हो जाएगा आप ध्यान देंगे रेंच लो और इसके अलावा एक जॉर्डन लो भी आप याद रखेंगे जॉर्डन्स रूल उसके ऊपर भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि जोर्डन्स रूल क्या कहता है तो जोर्डन का रूल बोलता है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की मछलियों में वर्टिब्री की जो संख्या होती है वो कम पाई जाती है यानी हाई टेम्परेचर वाले जो हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर फिशेज के अंदर जो वर्टिब्री की संख्या होगी वो कम पाई जाएगी हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में फिशेज के अंदर वर्टिब्रिया कशरकों की संख्या जो कम पाई जाती है इसे हम जोर्डन का नियम कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की आगे हम बात करते हैं एसो टू प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा उत्तम सूचक है तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एसो टू पॉल्यूशन तो बिल्कुल डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या की वृद्धि दर हेतु न्यून भीड़ कम घनत्व और अति भीड़ अधिक घनत्व नुकसानदायक तथा सीमित करने वाली होती है इसे कौन से प्रिंसिपल से समझाया जा सकता है बहुत अंडर क्राउडिंग लो डेंसिटी एंड ओवर क्राउडिंग हाई डेंसिटी आर डेलीटेरियस एंड लिमिटिंग टू ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्लेंड बाई तो ये डिस्ट्रेंस एली का प्रिंसिपल है और इसे एलीज प्रिंसिपल से समझाया जा सकता है तो आप याद रखेंगे इसके अलावा ऑप्शन में दो और तीन चार और दे रखे हैं तो उसमें से सेल्फोर्ड और लिबिक का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है तो आप ये भी ध्यान देंगे तो जो सेल फोर्ड का सिद्धांत है वो कहता है कि जो शेल फोर्ड का सहन तिल सहनशीलता सिद्धांत था कि अगर कोई कारक या कारक का समुच्चय है सहनशीलता की किसी भी ऑर्गेनिज्म की सहनशीलता की सीमा से अधिक है तो वो भी सीमाकारी कारक का काम करेगा इसे हम शेल फोर्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं और लिबिग और ब्लैकमेल का जो लॉ ऑफ मिनिमम है तो वो कहता है कि अगर कोई कारक या पदार्थ या कोई केमिकल न्यूनतम मात्रा में प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा जैसे बोरोन जो है वो पादपों की वृद्धि के लिए काफ़ी न्यून मात्रा में आवश्यक होता है लेकिन अगर उसकी मात्रा न्यूनतम से भी कम है तो फसल की वृद्धि फिर सीमित हो जाएगी तो ये लिबिक का सिद्धांत और शेलफोर्ड का सिद्धांत भी आप यहाँ पर याद रखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड को समझाया था यानी पारिस्थितिकी पिरामिड को सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक कौन थे तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स वर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन बाय तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे चार्ल्स एल्टन कोशिका की सबसे छोटी इकाई जिसे नग्न आंखों से देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए सेल विच कैन बी सीन विड आई इज तो बिल्कुल आपको अनएडेड आई के बारे में बताना है कि वो वन माइक्रोन होगी टेन माइक्रोन होगी हंड्रेड माइक्रोन होगी या वन थाउजेंड माइक्रोन होगी तो आपका आंसर जाएगा हंड्रेड माइक्रोन यानी कोशिका की सबसे छोटी इकाई जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो हंड्रेड माइक्रोन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त अभिरंजक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पहला ऑप्शन है पी एस दूसरा है, पेरा रोजेलिन तीसरा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या हेमेटक्सोलिन तो बिल्कुल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष के लिए पूर्व अपेक्षा है विच इज द प्री रिक्विड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक प्री रिक्विड चीज आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए बतानी है तो वैक्यूम जीवित पदार्थ प्रकाश का स्रोत रिफ्लेक्टर वैक्यूम लिविंग मटेरियल सोर्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्टर तो बिल्कुल प्री रिक्विड जो चीज हो जाएगी वो वैक्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्वेश्चन नंबर एटीन के आगे हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयुक्त होता है कोशिका उत्तक की आकारिके के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर तो आप देखेंगे हमारे पास पहला ऑप्शन हो जाएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयुक्त होता है पहला ऑप्शन ऊपर चला गया है कोशिका उत्तक के आकारिकी के लिए तंत्र विश्लेषण में फ्लोरोसेंट के लिए अंग तंत्र के लिए तो इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर तो डिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला जो ऊपर चला गया है टोपोग्राफी ऑफ सेल एंड टिश्यू टोपोग्राफी ऑफ सेल ऑफ टिश्यू के लिए टोपोग्राफी ऑफ सेल एंड टिश्यू के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयुक्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के आगे हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत पर आधारित है विभिन्न दरों पर पारण अलग अलग दर पर अवशोषण जैव रसायनों की क्रियाशीलता वन व दोनों तो बिल्कुल पैसेज एट डिफरेंट रेट्स एडजॉप्शन एट डिफरेंट रेट्स रिएक्टिविटी ऑफ बायोकेमिकल्स बोथ वन एंड टू तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू विभिन्न दरों पर पारण और अलग अलग दर पर अवशोषण दोनों के ऊपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत जो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यक है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स मैग्नीशियम क्लोराइड बफर ये सभी तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए सभी आवश्यक हो जाएंगे आपका आंसर जाएगा यह सभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की आगे हम बात करते हैं पीसीआर में डीएनए प्रवर्धन प्रक्रम में बफर पीएच आवश्यक है इन पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बफर पीएच रिक्वायर्ड तो आपको बफर पीएच बतानी है पीसीआर के अंदर तो ये बेसिक होती है और आप बताएंगे इसमें भी एट पॉइंट थ्री टू एट पॉइंट एट बिल्कुल आपका आंसर एट पॉइंट थ्री टू एट पॉइंट एट चला जाएगा बीच में डैश लगा लेना प्राइमर एनिलन के लिए आवश्यक तापक्रम है प्राइमर एनिलिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा पचपन डिग्री से सिक्सटी फाइव डिग्री डायरेक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप याद रखेंगे प्राइमर एनिलिंग इन पीसीआर में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है पी में डी एन पॉलीमरेज की आवश्यक मात्रा कितनी होती है तो बिल्कुल मिनिमम डी एन वहाँ पर लिया जाता है और आपका जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे कि डी एन ए पॉलीमरेज क्वान्टिटी रिक्वायर्ड इन पी सी इज़ तो वो हो जाएगी आपकी वन टू पॉइंट फाइव यूनिट फर्स्ट वाला ऑप्शन जाएगा आपका पी में प्राइमर की मात्रा आवश्यक है तो यहाँ पर भी आप मिनिमम लगाएंगे और मिनिमम जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो हो जाएगा टू इससे थोड़ा सही कर लेना ये माइक्रोन मोल होगा पी की जगह म्यू कर लेना तो आपका जाएगा आंसर जीरो पॉइंट फाइव टू वन माइक्रोन मोल लास्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम संश्लेषित होते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो प्रोक्रियोड्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं और स्पेशली बैक्टीरिया के द्वारा न्यूक्ट्स में ये नहीं बनते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं केवल बैक्टीरिया द्वारा तो डिस्टेंस इस प्रकार से हमने टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन किए हैं और मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके भी आपको बताया ये जो ट्वेंटी फाइव प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इकोलॉजिकल रूल मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं और वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करें बहुत बहुत धन्यवाद